नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एक व्यूअर अविनाश पाटिल जी के क्वेश्चंस के ऊपर। अविनाश पाटिल जी ने पूछा है कि अगर एसएल ए1 में अमाउंट 5865 लिखा हुआ है और कैलकुलेट करना चाहते हैं 5 + 8 + 6 + 5, कर सकते हैं? जी हाँ अविनाश पाटिल जी, इसको आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम थोड़ा देर में आपको समझाते हैं, और साथ में हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो पहली बार हमारी इस चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक 3500 से ऊपर वीडियोज अपलोड कर रखा है, और डेली 10 से 12 वीडियोज इस पे अपलोड होता है एक्सेल के लिए, बीबीए, पावर पॉइंट, टैबलू, इन सबसे रिलेटेड। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इतने सारे टॉपिक डेली सीखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक आपने पूछा है, ये एरे का सीरीज का है, एरे का है। चलिए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे 5648 दिया हुआ है, तो बेसिकली ये जो होगा वो होगा एरे के थ्रू। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप समझ पाए। इसमें लिखेंगे हम सम, सम के अंदर देंगे वैल्यू, वैल्यू के अंदर देंगे मिड, मिड, और इसको सेलेक्ट करेंगे। और अब मान लीजिए 4 है, तो इसमें हम दे देंगे रो 1 से लेके 4 एंड कॉमा 1, और उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। रिजल्ट आपके सामने, अगर मैं मैनुअली करूं 5, 6, 4, यहाँ पे 5 + 6 + 4 + 8, तो रिजल्ट आप देखेंगे आपको 23 ही दिख रहा है। तो कैसे काम किया ये समझना है हमें, फॉर्मूला लगा दिया ये बड़ी बात नहीं है, ये काम कैसे कर रहा है इसको समझिए। इसको समझने के लिए फॉर्मूला एवलेट में जाना। फॉर्मूला एवलेट में देखिए, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि मिड ने क्या किया, वैल्यू लिया, रो ने 1 से लेके 4 तक इस तरह से कॉमा करके टूटा, क्योंकि 4 डिजिट है यहाँ पे, और यहाँ पे एवलेट किया तो मिड ने 4 अलग अलग रिजल्ट दिया। मतलब कि लूप की तरह चल के इसने 4 को अलग अलग तोड़ के एक एक नंबर अलग दिया, बट नंबर किस में है, टेक्स्ट में है। कैसे पता चला, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि मिड फॉर्मूला हमेशा टेक्स्ट में ही रिटर्न करता है। वैल्यू क्या कर रहा है, उनको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, सम को 4 नंबर अलग अलग दिखे इसने सम कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि 4 के जगह पे अगर 5 करेक्टर हुआ तो क्या होगा, 4 को ही सम कर रहा है, तो उस केस में थोड़ा सा और डायनेमिक करना पड़ेगा। हम इसको कंबाइन करेंगे लेन, लेन फॉर्मूला है जो कि बताएगा कि इसके अंदर कितने लेंथ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने एन परसेंट के साथ इसको ज्वाइन कर दिया 1 से लेके 5, लेन क्या रिजल्ट देगा, 5 रिटर्न देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो 5 रिटर्न किया है एक टेक्स्ट में, क्योंकि एन परसेंट लग गया, मतलब कि कॉनकेटा नेट लग गया, कॉनकेटा नेट का रिजल्ट हमेशा टेक्स्ट में आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इनडायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देगा रेफरेंस में। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, अब 28 आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है फॉर्मूला, तो मिड ने टूटा, रो यहाँ देखिए सबसे पहले लेन चल रहा है, लेन ने रिजल्ट क्या दिया, लेन ने रिजल्ट दिया 5, फिर 1 एंड 5 कंबाइन हो गए, एक रेफरेंस फॉर्मेट में आ गए जो कि हमने इससे पहले जो डाला था रो में, बट एक टेक्स्ट में है, रेफरेंस में नहीं है, इनडायरेक्ट इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब रो क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक का सिक्वेंस नंबर किसको देगा, मिड को देगा। मिड इसको 1 से लेके 5 तक अलग अलग करेक्टर में अलग अलग करेक्टर कर देगा, वैल्यूज करेक्टर को कन्वर्ट कर देगा नंबर में, और सम जो है उस नंबर को सम कर देगा। तो ये एरे का कंसेप्ट है। जी हाँ, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक हम एरे के बहुत सारे डालने वाले हैं, वीडियोज डालने वाले हैं, तो आप बने रहें एरो पे इसके ऊपर। और इसमें एक इसको और अच्छे ढंग से सीखना है तो एक बुक होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। जी हाँ, ये बुक आपको दिख रहा होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। अब इस बुक को मैंने बहुत पहले डाउनलोड किया था, और मैंने डाउनलोड कहाँ से किया था,
मुझे याद नहीं है इसका एग्जैक्ट लिंक, बट आप सर्च करेंगे आपको गूगल पे मिल जाएगा, कंट्रोल प्लस हिट प्लस एंटर। जी हाँ, माइक एक्सेल फंड जो है इसका है, राइटर है, एक्सेल फंड का है, तो एक बार इसको देख लीजिए। ये ऑथर का नेम और उसी ऑथर के हिसाब से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एरे के बारे में ही बताया गया है, 353 पेज का बुक है जिसमें सिर्फ एरे के बारे में समझाया गया है। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, और आपके कोई कलीग है या फ्रेंड है जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज मेरी इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे साथ कंप्लीट एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो मेरी चैनल iptindia.com, मेरा वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लास का फॉर्म भरें। हम जूम के थ्रू लाइव क्लासेस लेते हैं और हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, और हर दिन एक एक क्लासेज होती है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे भी हम क्लासेस देते हैं। अगर आप डेली क्लासेस ना लेने में ऑनलाइन क्लासेस लेने में आप कंफर्टेबल नहीं है तो हमारे रिकॉर्डेड पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं। इन सब के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए, या मुझे कॉल कीजिए, या मुझे व्हाट्सएप कीजिए, या स्काइप भी कर सकते हैं। थैंक यू।